एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, बिकॉज नेटवर्क से आज हम सब लोग जुड़े हुए हैं। आज हम चाहे इंटरनेट की सेवा ले रहे हों या हम मोबाइल यूज कर रहे हों या किसी भी प्रकार से जो ट्रांसमिशन का हम वर्क करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो हम नेटवर्क की ही उपलब्धता के कारण ही कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नेटवर्क हमें कैसे प्राप्त होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब लोग नेटवर्क यूज करते हैं, नेटवर्क की फ्रीक्वेंसीज को यूज करते हैं, बट उसका कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं जानते हैं कि नेटवर्क हमें कैसे प्राप्त होता है या हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो कैसे हम कनेक्ट होते हैं। बिकॉज इंटरनेट जो है वो नेटवर्कों का नेटवर्क है, जिसे हम ग्रेट नेटवर्क कहते हैं। तो इंटरनेट के बारे में आप जानने से पहले हमारी आज एक वीडियो जो मैं दे रहा हूं आप लोगों को, नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्क हमें कैसे प्राप्त होता है, नेटवर्क की सुविधा को हम कैसे यूज करते हैं, कब हमारा लोकल कॉल होता है, कब एसटीडी कॉल होता है, कब रोमिंग यूज होता है, कब आईएसडी कॉल होता है, ये सारी चीजें हम आज आप लोगों को बताएंगे एक छोटे से वीडियो में, नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आप लास्ट तक देखें तथा चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर मैंने ये है कि एक डायग्राम बना रखा है नेटवर्क का। जैसे नेटवर्क हमें प्राप्त होता है तो उसका मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किया हुआ है। ये जो आप बड़ा टावर देख रहे हैं इसे हम MTSS बोलते हैं, MTSS मेन ट्रांसफर स्विचिंग सर्विस कहते हैं। कहने का मतलब हर एक नेटवर्क ऑपरेटर का एक टावर होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे VTS यूज किए जाते हैं, बहुत सारे VTSS होते हैं VTS का। और ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये डायग्राम एक अलग अलग बॉक्स देख रहे हैं, ये छोटे छोटे VTS हैं जो उस MTSS के रेंज में आते हैं जो यूजर तक नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज कोई भी नेटवर्क स्ट्रक्चर है, GSM जिसे बोलते हैं, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन बोलते हैं, उस ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए 5 की प्लेयर्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटर, सेकेंड होता है आपका नेटवर्क सप्लायर, थर्ड होता है आपका हैंडसेट मैन्युफैक्चरर, फोर्थ होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर और फिफ्थ होता है यूजर। ये 5 ऐसे की प्लेयर्स हैं जो GSM सिस्टम को प्रमोट करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटर। नेटवर्क ऑपरेटर जो हमें नेटवर्क सुविधा देता है, मतलब नेटवर्क का एक इंटरफेस तैयार करके देता है, फ्रीक्वेंसी नेटवर्क जो बनाता है उसे हम नेटवर्क ऑपरेटर कहते हैं। जैसे आपका BSNL है, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, आइडिया, ये सब टाइप के नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं। नेटवर्क सप्लायर होते हैं जहां से हमें नेटवर्क की सप्लाई प्राप्त होती है, जिसमें एक ऐसा इंटरफेस होता है जो हमें नेटवर्क सप्लाई प्रदान करता है, जैसे MTSS है, BTSS है, सैटेलाइट है, जहां से नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जो हमें नेटवर्क की सुविधा प्रदान करता है। थर्ड आपका हैंडसेट मैन्युफैक्चरर, बिकॉज इंटरनेट सर्विस को लेने के लिए हमें एक चिप की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं सिम, जो हमें ऑपरेटर से जोड़ता है। सिम, सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, जो हमें उपभोक्ता की पहचान कराता है। वह मॉड्यूल या वह IC जो उपभोक्ता की पहचान कराता है उसे हम सिम कहते हैं। तो सिम जिस हैंडसेट में, हैंडसेट क्या होता है, जैसे मोबाइल है या कोई भी ऐसी डिवाइस जहां नेटवर्क को प्राप्त, नेटवर्क से हम जुड़ते हैं, तो उसके लिए हमें सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल सिम की आवश्यकता होती है जो हैंडसेट में लगता है। फिर हम नेटवर्क ऑपरेटर से सप्लायर के द्वारा की गई सप्लाई नेटवर्क को हम प्राप्त करते हैं। थर्ड है, फोर्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। हैंडसेट मैन्युफैक्चरर क्या करता है, हैंडसेट मैन्युफैक्चर करता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको यूजर्स तक पहुंचाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपका फोर्थ ऐसा की प्लेयर है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो, हैंडसेट कंपनी में बने और फिर उस हैंडसेट को कोई यूज करने वाला नहीं होगा तो कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे आपके बहुत सारे कंपनीज हैं, आपका एप्पल है, आईफोन जिसे हम कहते हैं, एप्पल आईफोन यूज होता है, या आप नोकिया है, सैमसंग है, MI के फोन है, ओप्पो है, वीवो है, इस टाइप के बहुत सारे मोबाइल फोन हैं जो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को देता है और उस तरह से यूजर्स के पास पहुंचता है। तो और लास्ट है यूजर। यूजर ही मेन वो कड़ी है जो इस नेटवर्क पूरी सुविधा को यूज करता है, चाहे वो इंटरनेट के रूप में यूज करे, चाहे मोबाइल से बातचीत करने के लिए यूज करे, चैट करने के लिए यूज करे, या किसी सोशल वर्क के लिए यूज करता है। तो वो यूजर्स ही होते हैं जो इस सिस्टम को गेन कराते हैं। तो ये 5 ऐसे मेन की प्लेयर है जिस पर कंप्लीट नेटवर्क सिस्टम डिपेंड करता है, GSM सिस्टम डिपेंड करता है। तो हम देख लेते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर।
हम जानते हैं कि नेटवर्क जो हमारे पास आ रहा है जबकि वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता है, जब हमारे पास वो डिवाइस होती है उसमें जो सिग्नल्स होते हैं उसी से हम समझ पाते हैं कि हमारे पास हमारे मोबाइल में या हमारे डिवाइस में नेटवर्क है। तो और नेटवर्क रहता है जब तभी हम बातचीत कर पाते हैं, तभी हम ट्रांसमिशन हमारे एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन है तभी संभव होता है जब हमारे मोबाइल में या हमारे डिवाइस में नेटवर्क अवेलेबल होता है। तो हम ये कंप्लीट समझते हैं, नेटवर्क यूज सब करते हैं लेकिन उसका कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं समझते। तो आज मैं आप लोगों को एक नेटवर्क स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि नेटवर्क हमें कैसे प्राप्त होता है, कब हम लोकल कॉल यूज करते हैं, कब हम एसटीडी कॉल यूज करते हैं, हमारी मोबाइल से जो हम कॉलिंग करते हैं किसी के पास अपने बगल वाले फोन पर ही कॉलिंग करते हैं तो उस पर कॉल आने से पहले क्या प्रक्रियाएं होती हैं, फोन लगाते ही कॉलिंग आता है उसके बाद उसकी बेल सुनाई देने लगती है, ऐसा क्यों होता है उसको हम कंप्लीटली समझेंगे। तो यह आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेट आप जानते हैं, नेट मतलब होता है जाल, वर्क मतलब होता है कार्य, जहां जाल का कार्य हो मतलब आज के टाइम में नेटवर्क जो है उसमें सब लोग एक जाल में बुने हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ रहा है नेटवर्क फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। हमारे इस वातावरण में, इस एटमॉस्फेयर में नेटवर्क हमें हर जगह पर अवेलेबल, बस उसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते बिकॉज उसके लिए उस प्रकार की डिवाइस होनी चाहिए, तभी हम नेटवर्क को देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है। जैसे मोबाइल में मैनुअल सर्च कराते हैं सेटिंग में जाकर के तो हमारे पास एक नेटवर्क लिस्ट आती है, वह नेटवर्क सबसे ऊपर होता है जिस ऑपरेटर का हमारे मोबाइल में सिम लगा होता है। लेकिन और भी नेटवर्क लिस्ट में सारे नेटवर्क आते हैं जो उस एटमॉस्फेयर में होते हैं। नेटवर्क है क्या? नेटवर्क एक फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास हमारी डिवाइस में, जो हमारा डिवाइस होता है उसमें जिस ऑपरेटर का सिम लगा होता है, डिवाइस का वर्क होता है वो नेटवर्क सिग्नल्स को कैच करता है उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग जिस ऑपरेटर का सिम लगा होता है, इसलिए आपका सिम एक्टिवेट होना चाहिए। या इंटरनेट की सुविधा हम यूज कर पाते हैं बिकॉज इंटरनेट है क्या? इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं, ग्रेट नेटवर्क कहते हैं। तो ग्रेट नेटवर्क को समझने से पहले हम नेटवर्क को समझ लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है इसमें एक बड़ा सा टावर बना हुआ है इधर भी और इधर भी। मैंने दो स्टेट में इसको दिखाया आपको कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जब चले जाते हैं तो वहां आपका एसटीडी कॉल लगने लगता है। तो एक स्टेट यहाँ उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश मैंने बनाया हुआ है, कुछ भी हम एज ए एग्जाम्पल इसको ले रहे हैं। यहाँ एक बड़ा सा टावर दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है और ऊपर कुछ डायग्राम आपको दिख रहा है, छोटे छोटे सिंबल्स दिख रहे हैं, इसे हम इसके बारे में भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखें जो बड़े टावर्स हैं ये हैं क्या, इसे हम MTSS कहते हैं। MTSS का पूरा नाम होता है मेन ट्रांसफर स्विचिंग सर्विस। मेन ट्रांसफर जो डेटा जो आपकी कॉल को ट्रांसफर करता है, स्विच करता है, यही ये पता करता है कि जो कॉल आई है किस BTS पर, किस BTS के अंतर्गत ये मोबाइल या ये डिवाइस है जहां पर कॉल की जा रही है, इसको मेन ट्रांसफर स्विचिंग सर्विस बोलते हैं, आपका जो MTSS कहा जाता है। इसका रेंज जब क्रॉस करते हैं हम तो रोमिंग चार्ज कटता है, जो हम दूसरे MTSS के रेंज में जाते हैं तो उसमें रोमिंग, जैसे मैंने एक रेंज बनाया हुआ है यहाँ पर आप देखें, जब इस रेंज को हम क्रॉस करके इसके रेंज में आते हैं तो वहीं एक मैसेज आता है मोबाइल में कि अब आप रोमिंग क्षेत्र में जा रहे हैं। रोमिंग में पहले क्या रहता था, इनकमिंग चार्जेस भी कटते थे, बट अब रोमिंग की फैसिलिटी, अब धीरे धीरे रोमिंग पैक आने लगा है, बहुत सारी सुविधाएं होंगी। नहीं, पहले बहुत ऐसा रहता था कि कॉल को हम करते थे तो पैसा आउटगोइंग कॉल का पैसा कटता ही कटता था, लेकिन जब हम कॉल को सुनते थे अगर हम रोमिंग के क्षेत्र में हैं तो उसका भी चार्ज कटता था। तो आप समझेंगे, तो ये है आपका MTSS और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं टावर्स, ये इसका टावर, प्रत्येक टावर का रेंज होता है बिकॉज टावर उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर होता है। 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 में, जिसे हम GSM, DCS एंड PCS कहते हैं, मोनोबैंड, डुअल बैंड एंड ट्राई बैंड। तो ये सब BTS है, BTS को बोलते हैं बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। यहां हमने मोबाइल बनाया, हमने लोकल लिखा है लोकल कॉल, यहां से लोकल कॉल लगती है अगर इसी MTSS के अंडर में किसी भी BTS के रेंज में हम कॉल करते हैं तो वो आपका लोकल कॉल कहा जाता है। और जब हम इस MTSS BTS के क्षेत्र से किसी दूसरे MTSS के रेंज में आने वाले BTS पर जब कॉल जाती है तो उसे हम STD कॉल कहते हैं। कॉल कैसे जाती है उसको भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो यहां एक फोन है, यहां मैंने STD लिखा है, STD कॉल। यहां आप देख रहे हैं डायग्राम है, ये जनरेशन है जो समय समय पर नेटवर्क जनरेशन चेंज हुई, नेटवर्क को बढ़ाया गया, उसकी फ्रीक्वेंसी को गेन कराया गया, उससे लोगों को जो नेटवर्क की सुविधा, पहले रहता था नेटवर्क कहीं रहता था कहीं नहीं रहता था बिकॉज पहले फर्स्ट जनरेशन यूज होता था, फिर सेकेंड जनरेशन में आपका हेक्सागिनोल सेल आया, जो सेल आपको दिख रहा है इसे हम हेक्सागिनोल सेल कहते हैं। उसका रेंज भी होता है, जैसे एक 900 मेगाहर्ट्ज टावर का जो रेंज होता है वो 2 से 3 किलोमीटर तक का कंप्लीट रेंज होता है एक टावर से, चूंकि एक टावर में
एट बैंड लगे होते हैं, आठ बैंड लगा होता, और 100 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के जो टावर्स होते हैं उसमें एक बैंड से एक टाइम में 124 लोग बात कर सकते हैं। इट मीन्स सात बैंड से 868 लोग लगभग बात कर सकते हैं एक टाइम पर, और एक बैंड जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड अपने लिए यूज करता है जो नेटवर्क की सप्लाई करता है। तो ये है आपका VTS और ये हो गया MTS। जब हम कोई भी कॉल करते हैं, ये मान लीजिए मेरी मोबाइल से हम इस मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं, तो जब हम कॉल करते हैं तो सबसे पहले उस VTS के रेंज में जाता है जो VTS नजदीकी VTS होता है, जिस VTS के अंदर में आपका मोबाइल होता है उस VTS पर आपकी कॉल जाती है, और ये VTS अगले मोबाइल का, जिस मोबाइल का कोड होता है, जिस मोबाइल का नंबर होता है, उसको डायरेक्ट ना सर्च के वो डायरेक्टली भेज देता है MTSS पे स्टेट में, चाहे जिस जगह पर MTSS होगा, बिकॉज उस MTSS से ही BTS को सिग्नल मिलता है, जिसे हम बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन कहते हैं। बेस ट्रांसरिसीवर, देखिए ये ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों वर्क करता है आपका BTS, इसलिए इसको बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन कहते हैं। यहां से हमने ट्रांसफर किया MTSS पर, किया MTSS ने क्या किया, स्विचिंग कराया, और उसने जो नंबर है उस नंबर, किस BTS के अंदर में वो मोबाइल नंबर यूज हो रहा है उस BTS को ये यहां से स्विच करता है, उसके पास एक कॉल को ट्रांसफर करता है, और उस BTS से फिर उस मोबाइल पर ट्रांसमिट हो जाता है। जब तक ये कार्य होता है तब तक आपके मोबाइल में कॉलिंग लिख करके ऐसे ऐसे पॉइंट चलता रहता है, और जब ये रेंज कंप्लीट मिल जाता है तो आपके मोबाइल में वेल जाने लगती है, वेल जाने लगती है। तो ये काम करने में उसको टाइम नहीं लगता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बहुत तेज वर्क करता है, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। आप देखें, यहां आपने कॉल किया, BTS के पास गया, BTS ने उस MTSS को ट्रांसफर किया, MTSS ने स्विच किया कि जिस मोबाइल के लिए कॉल किया गया है, जिस फोन पे कॉल किया गया है वो किस BTS के अंडर में आता है, उस BTS को ट्रांसफर किया, और BTS ने यहां मोबाइल पर ट्रांसफर, तो ये एक कम्युनिकेशन हो गया, यहां से संचार हो, तो फिर कॉल जाने लगती है और कॉल होता है। इस टाइप की जो कॉल्स होती हैं उसे हम लोकल कॉल कहते हैं। कहने का मतलब, अब इस MTSS के रेंज में आने वाले किसी भी BTS के अंतर्गत जिस भी मोबाइल पर हम कॉल करेंगे वह कॉल लोकल कॉल कही जाएगी। मान लीजिए हमने इस मोबाइल से कॉल किया या इस मोबाइल से कॉल किया, यहां से कॉल किया, BTS पे गया, BTS ने MTSS पर ट्रांसफर किया, मैंने इस नंबर पे कॉल किया हुआ है, तो यहां इसके रेंज का, चूंकि उसका कोड होगा अलग कोड में जाता हूं, डायरेक्टली यहां से वो कॉल को ट्रांसफर करेगा और MTSS को ट्रांसफर कर देगा, और MTSS क्या करेगा, उस मोबाइल के रेंज में, जिस में BTS के रेंज में आपकी मोबाइल आती है उस BTS को ट्रांसफर करेगा, और BTS आपके मोबाइल पर कॉल को ट्रांसफर कर देता है। इसमें क्या होता है, ये भी वर्क कर रहा है और ये भी BTS MTSS वर्क कर रहा है, तो इस तरह से कॉल रेट बढ़ जाता है, जिसे हम STD कॉल कहते हैं। तो यहां पर STD कॉल लग जाएगा, लेकिन एक दूसरे से जुड़ने का जो माध्यम है, जो तरीका है, इसी तरीके से हम डायरेक्टली इस मोबाइल से इस मोबाइल पर कॉल कर पाते हैं, बिकॉज यहाँ ये MTSS और BTSS यूज कर रहे हैं हम, उसके बाद इससे इसका इस BTS का कोड था, तो इस BTS इस MTSS पे संपर्क हुआ और इस MTSS ने BTS को अपने ट्रांसफर किया और BTS ने डायरेक्टली उस मोबाइल पर कॉल को ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से ये कॉल आपकी कनेक्ट हो गई, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हो गए, संचार किए, बातचीत किए, चैट किए, और इस कॉल को हम क्या बोलेंगे, STD बोलेंगे, बिकॉज ये दूसरे MTSS के रेंज में आने वाला मोबाइल है आपका, जहां पर आपने कॉल किया हुआ था, तो इसे हम STD कॉल कहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी मोबाइल लेकर के, हम मान लीजिए मध्य प्रदेश घूमने जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो यहां से जब मोबाइल लेकर के चलेंगे और जब अपने MTSS का रेंज हम क्रॉस करेंगे, दूसरे MTSS के रेंज में आने लगेंगे, तो ये आपका यहां पर एक मैसेज आता है रोमिंग का, और आपके मोबाइल पर रोमिंग एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम इसके, रोमिंग का मतलब होता है एक रेंटल हम देने लगते हैं, क्योंकि मेरा सिम इस MTSS के अंडर में निकला हुआ है, और जब हम दूसरे MTSS के पास जाते हैं और बट हमारी सुविधाएं लगातार निरंतर वैसे ही चलती रहती हैं, तो उसमें ये बताता है, एक सूचना आती है कि अब आप रेंटल क्षेत्र में, अब आप रोमिंग के एरिया में आ चुके हैं, लेकिन आपका नेटवर्क सुविधा बंद नहीं होता, आपकी कॉलिंग वगैरह चलती रहती है, तो इसे हम रोमिंग कहते हैं। तो ये है आपका MTSS, ये BTSS है, BTSS जो छोटे छोटे टावर होते हैं, इनका एक रेंज होता है, ये मोनो बैंड, डुअल बैंड एंड ट्राई बैंड होते हैं, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़, सब तो फ्रीक्वेंसी ही बढ़ रही है। अब आप देख रहे हैं 4G चल रहा है, 5G आ गया है, 5G फिफ्थ जनरेशन, नेटवर्क जनरेशन को हम G में कन्वर्ट करते हैं, 2G, 3G, 4G एंड 5G।
ये है आपका एक स्ट्रक्चर जैसे हमें नेटवर्क, और ये MTSS अगर हमें ISD कॉल करनी है, विदेश कॉल करना है, तो डायरेक्टली सैटेलाइट से ट्रांसफर होगा और अदर कंट्री के नेटवर्क से जाकर के वो अटैच्ड हो जाएगा। यहाँ एक दूसरे से सब एक दूसरे से बंधे होते हैं नेटवर्क फ्रिक्वेंसीज के माध्यम से। तो एक तरीके का जाल है जिसमें सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये देखा आपने, जब हम लोकल कॉल करते हैं तो कॉल BTS पे जाता है, फिर BTS से MTSS पर जाता है, और वो MTSS स्विच करके उस मोबाइल के रेंज, जिस BTS के रेंज में मोबाइल आती है उस BTS पर ट्रांसफर करता है, और BTS से मोबाइल पर कॉल लग जाती है। इसे लोकल कॉल कहते हैं। और जब हम STD कॉल करते हैं तो BTS पे जाता है, फिर MTSS से उससे ट्रांसफर होकर के जिस स्टेट में आपका कॉल जाना होगा उस स्टेट के MTSS पर चला जाता है, और जिस BTS के रेंज में आपका मोबाइल आ रहा है उस BTS पर ट्रांसफर होता है और आपके मोबाइल पर कॉल ट्रांसफर हो जाती है। इसे हम STD कॉल कहते हैं। ये आपका STD होता है। और जब हम अदर कंट्री में कॉल को ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ से डायरेक्टली सैटेलाइट के माध्यम से उस कंट्री के MTSS से मिलता है, BTSS से होते हुए उस मोबाइल में कॉल चली जाती है, तो उसे हम ISD कॉल कहते हैं। तो और जब हम अपनी मोबाइल को लेकर के दूसरे MTSS के रेंज में पहुंचते हैं तो वो आपका रोमिंग होता है। तो ये है आपका MTSS मेन ट्रांसफर स्विचिंग सर्विस, ये है आपके BTS जिसे बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन कहते हैं, ये जो हम कॉलिंग का लोकल कॉल है, और ये आपका STD कॉल है। और नेटवर्क फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करने के लिए हम सिम यूज करते हैं जिसे हम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कहते हैं। वह सिम नेटवर्क को कैच करने के लिए एक डिवाइस में लगाया जाता है, चाहे वो मोबाइल हो, फोन हो, टैबलेट हो, अदरवाइज कोई भी मॉडेम हो, नेट सेटर हो, कुछ भी। तो डिवाइस की जरूरत होती है नेटवर्क को कैच करने के लिए, ऑपरेटर्स की पहचान कराता है, इसलिए सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल लगता है, फिर आप नेटवर्क सुविधा को यूज कर पाते हैं। तो ये है आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।